गुमशुदा की रिपोर्ट दी है मैंने, मेरी बेटी और मेरी बहन दोनों गायब हैं 25 तारीख की। मेरी बेटी 12 साल की है और मेरी बहन 17 साल की है। मदरसे की जाने की बोल करके निकली थी वो घर से, और शाम को 5 बजे तक वो वापस आती है, 4-5 बजे हमने देखा तो वो आई नहीं, फिर ढूंढना शुरू किया। उसके बाद मैं 9 बजे रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर घर जाकर देखा तो कुछ सामान गायब थे, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, चांदी के बहुत से आइटम, गोल्ड नोजबिन वगैरह और चांदी की पायल, चांदी की कमरबंद, ये सब गायब थे, चांदी के सिक्के। मेरी बच्ची गायब हो गई। और फिर बहुत जगह तलाश भी की, थाने में वापस गए, कहते हैं कि हम देख रहे हैं, चल रहा है तो फिर चल रही है। मैं एसपी साहब के पास भी दोबारा आई हूँ, पहले ससुराल पक्ष पे शक था, वहाँ पर जाके तलाश की तो वहाँ कुछ नहीं मिला। एसपी साहब ने कार्रवाई भी करवाई, कुछ नहीं मालूम चला कहाँ है, किस हाल में, कोई पता नहीं पा रहा है। आज 13-14 दिन शक हुआ है कि कहाँ जा रहा है। ससुराल वालों पे शक था, वहाँ जाकर देखा तो मैंने कदम नहीं उठाया। हर अजमेर का हर एक कोना, हर एक पार्क, सब जगह तलाश की। फायद सागर में भी जाकर देखा तो चौकीदार करके कह रहे थे कि वो यहीं आए थे, और इस हिसाब से पता चलता लोग बोल रहे हैं। बताइए क्या है मामला, किसके पास आए हैं? मदरसा अपने खानपुरा के अंदर है, बेटी गायब है और एक मेरी बहन गायब है। मदरसा से तैयबा है, मदरसा है शायद। और आज 13-14 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है। शक वक्त तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी, वो घर से बाहर निकलती नहीं थी मेरी बहन। मेरी बेटी है जो छोटी है, स्कूल ही जाती थी, स्कूल से मदरसा, दोनों मासी खाला भांजी दोनों साथ में रहती थी। तलाश जा रही है, चल रही है। गोल्ड रिंग थी 80-90 हज़ार समथिंग की, तो और पाव भर आधा किलो की चांदी की पायल। पुलिस में आपने शिकायत दी, क्या दूसरों का गिरवी रखा था मेरे पास, चांदी के कमरबंद थे और मेरी खुद की नोजबिन थी, नाक की तफ्तीश कर रहे हैं और अंगूठी वगैरह, ये सब कम से कम तकरीबन 1-1.5 लाख का सामान गायब है, और कैश है 8-10 हज़ार रुपए। जी हाँ, ऐसा लगता है किसी के बहकावे में, क्योंकि ट्रैवल बैग, लगेज वगैरह टोटल मेरे भी ड्रेस है, मेरी बेटी की भी ड्रेस है, मेरी बहन अपना खुद का सब कुछ लेके गई है। ट्रैवल बैग जो होते हैं ना, ट्रॉली बैग, वो और स्कूल बैग के अंदर कपड़े वगैरह बांध के पैक करके गए हैं। इससे पहले किसी से बच्ची की बातें होती थी सोशल मीडिया पर, ये जो इंस्टाग्राम वगैरह, इस पर चैटिंग वगैरह, बातें, कई बार डांट भी लगाई तो फिर उसको फिर फ़ोन छीन लिया, फिर नाराज़ हो गई, फ़ोन नहीं दिया। और जैसे फ्री फायर वगैरह खेलते हैं तो उस पर इसने नंबर वगैरह लिया। नहीं, अभी कोई फ़ोन नहीं है, क्योंकि फ़ोन उससे जाने से 2 दिन पहले तो मैंने छीन लिया था इससे, मेरी बेटी से, और इसके बाद कोई पता नहीं चल पाया कहाँ है, किस साल में है।